हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या व्याग्रा या टेडिला फील्स हेल्दी हार्ट पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, क्या इससे हार्ट डिजीज होता है। ये क्वेश्चन एक यूजर ने मुझसे पूछा था, तो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो आपसे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टैबलेट का क्या काम है? इस टैबलेट का काम इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने का होता है। अगर आपके लिंग में तनाव नहीं आता है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो ये मेडिसिन इसके ट्रीटमेंट में प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये टैबलेट कैसे काम करती है। व्याग्रा या टेडिलाफिल को जब आप ओरली कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी में डिजॉल्व होती है और आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है जो इरेक्शन में हेल्पफुल होता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो आपकी आर्टरी वाइड हो जाती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन होता रहे। शॉर्ट समरी, इसका मेन काम ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इस टैबलेट को किस किस बीमारी में दी जा सकती है। इस टैबलेट का यूज़ डॉक्टर इरेक्टाइल डिसफंक्शन में देने के साथ साथ ही ऑफ लेबल भी यूज़ करते हैं, मतलब किसी और ट्रीटमेंट में। इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसका यूज हार्ट के ट्रीटमेंट में और चेस्ट पेन में भी किया जाता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या स्वस्थ दिल पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, फैक्ट क्या है। तो इसका जवाब है नहीं, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। कई क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं लोगों पर कोई ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया है जिसमें ये प्रूफ हो कि ये दिल पर असर करती है। अगर इसको ऐसे समझे तो व्याग्रा या टेडिलाफिल में जो नाइट्रेट होता है वो चेस्ट पेन या हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट में भी काम आती है। किसी पेशेंट में जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो डॉक्टर नाइट्रेट वाली मेडिसिन ही देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर सामान्य हो सके। नाइट्रेट ऑक्साइड ब्लड प्रेशर को लो करती है, इसलिए कभी भी हाइपरटेंशन या हार्ट के मरीज को ये मेडिसिन नहीं दी जाती है। अगर आप हाइपरटेंशन की दवा लेते हैं और आप साथ में व्याग्रा भी लेते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को सडनली एकदम लो कर देता है जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए कभी भी हार्ट के पेशेंट या बीपी के पेशेंट को ये मेडिसिन रिकमेंड नहीं की जाती है। अगर उनको ये मेडिसिन दी भी जाती है तो डॉक्टर के सुपरविजन में। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इस मेडिसिन से और कौन कौन ले सकता है इस मेडिसिन को, इन दोनों टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो है मेरे चैनल पर, आप विजिट करके देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक क्लिनिकल ट्रायल करवाया था ये जानने के लिए कि हेल्दी हार्ट पर सिंडेलाफिल का क्या असर पड़ता है। इस क्लिनिकल ट्रायल में 36 लोगों पर एक्सपेरिमेंट हुए, उन पर 6 महीने तक ट्रायल हुआ। इन 36 लोगों को ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को डोबुटामीन का 5 mg का डोज दिया गया। डोबुटामीन हार्ट रेट को इंक्रीज और पंप शक्ति को बढ़ाती है। और दूसरे ग्रुप को शुगर पिल पेलिस्बो दिया गया और तीसरे ग्रुप को सिंडेलाफिल दिया गया, ये देखने के लिए कि इन तीनों मेडिसिन का हार्ट पर क्या असर होता है। और इसके रिजल्ट में पाया गया कि डोबुटामीन का इंजेक्शन दिए गए पेशेंट में हार्ट रेट 150% तक इंक्रीज हुआ और सिंडेलाफिल वाले पार्टिसिपेंट में 50% ही इंक्रीज हुआ। इससे ये प्रूफ हुआ कि डोबुटामीन वाले या प्लेसिबो वाले पेशेंट का सबसे ज़्यादा हार्ट रेट इंक्रीज हुआ और पंपिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ, और सिंडेलाफिल लेने वाले का उतना ही हार्ट रेट इंक्रीज हुआ जितना सामान्य बॉडी में होता है। इसलिए सिंडेलाफिल हेल्दी हार्ट पर कोई भी असर नहीं डालती है, ये सिर्फ लिंग के ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है और ये एकदम सेफ है। तो इसका शॉर्ट समरी यही है कि अगर आप हेल्दी हैं, आपको किसी तरह का बीमारी नहीं है, हार्ट, लीवर, किडनी, आइज, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ का, और आपको सिर्फ ईडी का प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इससे किसी भी ऑर्गन पर बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ये आपके सेक्सुअल ऑर्गन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो कंक्लूजन यही है कि इससे हेल्दी हार्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई भी एविडेंस नहीं है इस बात का, ना कोई ज़्यादा नेगेटिव क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एडवाइस की। एडवाइस मैं यही देना चाहूँगा कि अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं
और आपको सिर्फ ईडी का प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन को बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का डिजीज है या कोई दवाई चल रही है तो आपको ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर लेना भी है तो डॉक्टर को कंसल्ट करके लेना चाहिए। एक जरूरी बात, व्याग्रा या टेडिलाफिल का कभी भी लोअर डोज लेना चाहिए, ये काफ़ी सेफ होता है और इसके लोअर डोज से साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।